वृंदावनेश्वरी वृषभानुपदेवी प्रणमामि भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै किंतासि कामादितरंगमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी प्रभुपाल भक्तदास रघुनाथ क्षय गोसाई करी चरण बंदन जहा समाधि देव करुणा निधान कमाल वर्णम त्रिविधावतार अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूप जन प्रभजन तमनुपेतमपेत कृतम द्वैपाय विरहता कर आयु भाव पुत्री तन्मयतया करवो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मै नारायण नमस्कृत नरञ्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार संवाद कर दो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर कर दो बोला हरे कृष्ण आप लोग एक बार बोलो मैं सुनता हूँ। देखो जो जा रहा है ना तो संपूर्ण विश्व में जा रहा है, पृथ्वी के बाहर भी भारत के बाहर भी बैठकर भी लोग देख रहे हैं। गरीब के लोग कितने जोर से ठाकुर का नाम लेते हैं, एक बार जोर से बोलो सब लोग बोले कि बहन का लोग भाई बहुत बढ़िया है तो सब लोग नाम करते हरे सर्वप्रथम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा इसका इको ज्यादा मत दिया निकलीला प्रभुष्टम विष्णु इको ज्यादा मत दो निकलीला प्रभुष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदर श्री 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 मात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा निकलीला भविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 मात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम लोग यहाँ सबके सब एकत्रित होकर के ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे बड़ी गुरु जी कहा करते थे जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर पैसा नहीं हो हमें मदद करने वाले लोग हो जन बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर तुम्हारे पास में मन की बल हो, मन की बल मतलब भैया करो फिर बाद में देखा जाएगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। श्री भागवत कथा कराओ
अगर पास में मन की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम नहीं। अगर तुम्हारे पास में मन बल भी नहीं हो इसका क्या करना होगा? अगर मन की बल भी नहीं हो, अगर तुम्हारे पास में अगर आत्मा बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी कहा करते थे कि जो श्रीमद् भागवत कथा है न तो कोई जन बल से कर सकता है न तो कोई आत्मा बल से कर सकता है, जैसे कि पढ़ना नहीं। अगर कोई इस बात में मन की बल हो जो काम नहीं कर सकते हैं, अगर इसको बात में आत्मा बल हो जो काम को नहीं कर सकते हैं, कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुनना, ये भागवत कथा सुनाना, जब तक कि ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा की बल नहीं हो, कहते ये कथा कोई रख भी नहीं सकते हैं, ये कथा कोई सुन नहीं सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी की पटना एक स्मृति करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भारवतम लभ्यम। कहते एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों का अगर कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा को कोई रख सकते हैं, कोई कथा को सुन सकते हैं। इसलिए समझो कितना दिन बाद में कथा हो रही गली में, कितने साल के बाद में, 3 साल हो गए, ये कोरोना आकर सब बंद कर दिया। इसलिए 3 साल के बाद में ये भागवत कथा होने जा रही है। इसलिए श्री शंकर की पार्वती को भी यही बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। तो माता पार्वती प्रश्न करती है मेरे प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सत्संग अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों भागवत कथा सुनाने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दिया है, तब दिवस में इसको तक्षक सांप उसको दंशन करेगा, ये मरने वाले, इसलिए तो कथा सुनाने जा रहे। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये पूरी की पूरी अमृत कलश ले जाओ, लेकिन इसके विनिमय में हमें ये भागवत कथा सुना दो। लेकिन सुखदेव स्वर्ग का जो अमृत कैसे है, बोले ये एक टूटे फूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये श्रीमद है, बोले ये श्रीमद भागवत नहीं, बोले तेन अयम बांगमय कोटि प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले ये श्रीमद भागवत ग्रंथ जगत में क्यों प्रकट हुए? यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान। जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा श्रवण कर रहा है, आप भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से हम भी उसको भक्ति सुकृति जगती है। जोर से बोलो
श्रीमद भागवत कथा भैया पता तो लगे गंदे कथा हो रही, इसलिए कहते हैं हम लोग ये श्रीमद भागवत कथा नहीं, वो भी कथा को नहीं सुन सकते हैं, वो संपूर्ण अमृत को देने पर भी ये कथा को नहीं सुन सकते हैं। कहते भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग में तो कथा है ही नहीं, लेकिन ये जो कथा रस है ना, कहते उसको सात लोग ऊपर में ब्रह्म आकर के मेरे पेट में एक बच्चा आ गया है, अब बताओ मेरे को क्या करना चाहिए।
बात इतनी सी बात पे वो बोल देना। अभी तो पैसा के लोग भरी सभा में जब कथा हो रही थी, ये संत कभी ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। इतने में राजा ने वो बुलाया, वो वेश्या को, वेश्या को बुलाकर सामने तलवार रख ली। बोले बताओ तुम सही सही, तुमने जो भरी सभा में ये राजा को, इसमें रानी की भी कोई दोष नहीं, वेश्या की भी कोई दोष नहीं। बोले किसकी दोष? बोले तुम्हारी दोष। बोले मेरी को दोष क्या है? मेरी दोष क्या है? बोले जो कथा में तुम अकेले आते हो, तुम अपना रानी को साथ में लेकर नहीं आते। अगर कथा सुनने के लिए आते तो फिर दोनों को ऊपर ये रंग चढ़ता, फिर दोनों ही भजन करके तो फिर लड़ाई नहीं होता। बोले कल से अपना पत्नी को रानी को लेकर के भी सत्संग में आओ। बोले श्री वृंदावन हरी लाल की जय। इस महाबस एक भूतो I'm not afraid of the dark.
शंकर जी एक सुंदर उदाहरण दिए, मानो तुम्हारी घर में शादी हो रही है, आप बताओ शादी में कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे वही आएगा, वही आएगा ना। अगर आप किसको निमंत्रण नहीं दोगे, तुम्हारी घर को पार्वती जी के अंदर पार्वती जिसको ठाकुर जी ने बुलाया, ठाकुर जिसको नौता भेजे हैं, जिसको बुलाया ना, वही केवल ये भागवत कथा में आए, इसलिए आपको ठाकुर ने बुलाया। उदाहरण दिया है, जब कृष्णा बंसी बटक नीचे खड़े होकर बंसी बजाए, बंसुरी किसको किसको कान में गई, यहाँ पर जितने गोपियां आई ना, मतलब गोप और गोपियां आई है, केवल ठाकुर जी का बंसुरी खुद ही कान में गई, और ठाकुर आपको ही बुलाना चाह रहे थे, इसलिए आप लोग आए हो। और ही जब करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है, तभी ये भागवत कथा सुनने का किसको सौभाग्य तभी प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा फायदा है गोपियों को साथ में कृष्ण को तृप्त करते हुए देखा, बोले क्या मैं सबको साथ में बराबर हो गई? इतने में राधा रानी नाद करके चली गई। जब चली गई, अभी कृष्ण राधा रानी को लेकर के अकेले गए, और बड़े कृष्ण कथा की 7 लाभ कहती है, क्या क्या है? बोले तब कथा वृता पहला लाभ, ठीक है। इसलिए शंकर जी जहाँ पर अभी भी वो बटवृक्ष है, जिसको नीचे शंकर जी बैठा करके पार्वती को सर्वप्रथम ये भागवत कथा जहाँ पर सुनाया, हम तुमको अमरनाथ जाते हैं, वहां पर शंकर जी पार्वती को बैठा करके ये अमर कथा सुनाए। बोले देखो पार्वती, जब मैं कथा सुनाऊंगा, ध्यान देकर सुना, जब मैं कथा सुनाऊंगा तुम हुंकार भरते रहना, क्योंकि मैं इतने में मैया पागल जग गई। बोले उसको बात में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले मैं तो बीच में सो गई थी, बोले हुंकार भर गई थी। बोले नहीं, मैंने हुंकार नहीं भरी, मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने सोचा, क्योंकि जो कथा है ना, ये अमर उदय होने पर कोई सुन सकते हैं, इसलिए शंकर जी ने देखा भैया कथा सुनी किसने। इतने में देखा वो वृक्ष के ऊपर में जो तोता बैठी करके सुन रहा है, कथा का नाम क्या है? अमर कथा जो सुना रहा था, लेकिन एक तोता ने ये कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले भोले सतगुरु साहब भोले ही, शंकर जी का नाम भोला बाबा है। भोले ध्यान लगा करके देखा, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, जो राधा रानी के निकुंज महल में रह रहा है। राधा रानी जिसको अपना हाथों से अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण
श्रीमती राधा रानी की अभी शंकर ने ध्यानस्थ होकर के देखा ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, ये कौन तोता है ना, कृष्णा इसमें री है ना, रा इसलिए उसमें भी रस है, राधा इसलिए राधा उसमें रस है, राम राधा रस है। आपको संस्कृत में क्या कहते हैं तो विश्व ब्रह्मांड ढूंढ करके भी इसकी बराबर वस्तु मेरे को मिलता नहीं, मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ। भैया आज से मैं ग्राही बन गया हूँ। और जब कोई धा बोल दिया धा और धा कभी धा कर सुनते ही प्रचार और प्रसार करेंगे। और शंकर से पहला लाभ क्या है, जो ये कथा को सुनेगा जगत में वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। देखो आप और हमारी कथा को छोड़ी दो, शंकर जी कौन है, देवदेव महादेव जी। देखो ये जगत में सबके सब बड़े बनना चाहते हैं, जानते हो क्या चाहते हैं, अभी का जो यंग स्टार है वो चाहते हैं हम बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बनेंगे। अभी के जो यंग स्टार है ना सब लड़का लड़की क्या चाहते हैं, हम बॉलीवुड में मोदी है और दो तीन साल के लिए उसको बाद में नहीं आएंगे तो कोई बोलेगा। जैसे हमारे यूपी के अभी मुख्यमंत्री कौन है, जो की कितना साल के लिए है, 5 साल के लिए ना। अगर 5 साल बाद वोट देने के लिए कोई जगत में कोई पूछेगा क्या, प्रलय हो जाएगा ना, ये भागवत ग्रंथ फिर गोलोक वृंदावन में चली जाएगी, फिर जब नया सृष्टि होगी फिर भागवत आएगा, फिर उनका नाम दो बार आएगा, फिर ये ध्रुव प्रहलाद तुलसीदास और हनुमान जी का नाम फिर दो बार आएगा। इसलिए भैया बड़ा बने तो हीरो हीरोइन नहीं बन करके भगवान की भक्त बन करके बड़े बन जाओ। बेटा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार है कि नहीं बोलो, जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहना ये तू का घर है, जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहना ये तू का घर ही है घर। लेकिन देखो यहाँ राधा रानी कहती हैं ये कथा सुनने का जो दूसरा लाभ है, कहते तप्त जीवनम, जो संसार सर पर ये विपत्ति, घर में ये विपत्ति है, घर में ये परेशानी, घर में ये दुख कष्ट। लेकिन जब तक आप कथा में बैठे रहोगे ना कोई दुख कष्ट तुम्हें सता नहीं सकती है, क्योंकि जो कथा है ना भगवान खुद कहते हैं जो कथा सुनते हैं बांके बिहार की गोद में बैठे, पूर्वों पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे कर्म करके आए वो उसका भोग कर रहे हैं जीवन में, ये प्रारब्ध है। लेकिन जो ये कथा को सुनेगा उसका सारे प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगी, सारे पूर्व भागवत को श्री इसलिए पहला नियम बताया कथा से पहले आओ कथा को बाद में जाओ, वैसे नहीं बीच में खड़े होकर चल पड़े नहीं पाप लगता है, कथा को बीच से उठना नहीं चाहिए उसको पाप बताए। इसलिए सुखदेव को आप तो ऐसे कथा नहीं सुन सकते हैं, बोला अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो दूसरा नियम पता है घी पी कर कथा सुनो, बोलो भैया घी पी कर पेट बाफला हो जाए, बोला अगर ऐसे कथा नहीं सुन सकते हो फलाहार कर कथा सुनो, बोलिए ठीक है ये फलाहार कर खान लगे कथा सुन सकते हैं, अगर इसमें कोई कष्ट हो तो स्वयं देखा जिनको 25-30 साल तक कोई संतान नहीं, सारा दुनिया की काम कर रही है संतान नहीं हुए, उन्होंने नियम से बैठे और कथा सुनी और भागवत में फल रखकर खाए तो अभी उनको संतान नहीं। बोले ता
मतलब किया, जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा संसार का समस्त आसक्ति खत्म हो जाएगी और ठाकुर जी के चरण में उसको प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति के दान श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति के दान श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की पता नहीं चले।
ये भागवत कथा श्रवण करके क्या लाभ होगा, जब तक इस बात की अनुभूति ना हो जाए तब तक इसको श्रवण करने में रुचि नहीं होगी। इसीलिए भागवत ग्रंथ की महिमा विशेष करके दो पुराण में आती है, दूसरा है स्कंद पुराण। हम आगे जाके श्रवण करेंगे, जब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करी, ये ग्रंथ उनका अंतिम ग्रंथ है, माने ये ग्रंथ उन्होंने सबसे लास्ट में रचना करी, और पद्म पुराण स्कंद पुराण उससे पहले वर्णन कर दिए हैं। अभी प्रश्न तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ नित्य है। जिस प्रकार भगवान के अवतार, भगवान कृष्ण के जितने भी सारे अवतार हैं, नित्य है, लेकिन जब जब इस पृथ्वी पर उनकी आवश्यकता होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब भगवान के अवतरण की आवश्यकता होती है भगवान अवतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत ग्रंथ तो नित्य है, लेकिन जब जब इसकी आवश्यकता होती है तब वेदव्यास जी से लिपिबद्ध करते हैं या ये प्रकाशित होता है। इसीलिए पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस ग्रंथ की महिमा पहले से विद्यमान है। जब वे भ्रमण कर रहे थे उनको चतुसंध के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा जी के जो चार मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार मानस पुत्रों के साथ जब वो मिले हैं, नारद जी बड़े चिंतित थे और उनको चिंतित देखकर चतुसंध प्रश्न किया है, बोले आप इतने चिंतित क्यों हो, अरे साधु तो प्रसन्न मुद्रा में जगह जगह विचरण करते हैं, संसारी लोग जगह जगह, संसारी लोग तरह तरह के झमेले से, तरह तरह के दुख कष्ट से दुखी होकर साधु के पास में आते हैं, बोले बाबा हमारे दुख कष्ट दूर कर दो। और यहाँ पर देखो नारद जी, आप भ्रमण करोगे तो संसारी लोगों का दुख दूर कौन करेगा, इसीलिए आपकी चिंता का क्या कारण है, जरा बतलाओ हमें। उस समय पर नारद जी स्वयं वर्णन करते हैं कि देखो मैं सत्संग का बड़ा प्रेमी हूँ, मुझे सत्संग बड़ा प्रिय है, और इस सत्संग की आशा से ही मैंने क्या किया, मैं इस स्वर्ग में जा जाकर भ्रमण किया, लेकिन वहां पर क्या देखा कि पाखंडी निरंतर संता, अरे सब संत लोग जो वहां पर विराजमान है सब पाखंड प्राय हो गए हैं, जो उससे किस प्रकार हम धन या अर्जन कर ले, यही मात्र उनकी चेष्टा है। और विशेष करके संतों की बात छोड़ दो, जब गृहस्थों के घर पे गया तो वहां पर भी बड़ी विचित्र लीला, बोले क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धि दायक, अरे घर में स्वामी जी हुए हैं, वो जो राय देते हैं उसी हिसाब से घर की परिचालना होती है। गृहस्थी में भी मैंने देखा प्राय सब पाखंडी हो गए हैं, सद आचरण संपन्न कोई नहीं है, तीर्थ स्थानों पर शांति नहीं, गृहस्थों के घरों में शांति नहीं, मैंने सोचा वृंदावन धाम चला जाता हूँ, अरे भगवान की साक्षात जन्मभूमि है, क्रीड़ा स्थली है, वहां पर जाकर तो मेरे को बड़े आनंद की प्राप्ति होगी, वहां पर जाकर निश्चित रूप में मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं जब आया हूँ यमुना जी के तट पर, कलकल नाम से वहां पर यमुना जी प्रवाहित हो गई है, बड़ा सुंदर परिवेश था, लेकिन उस सुंदर परिवेश के अंदर भी मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। बोले क्या आश्चर्य देखा, मैंने एक आश्चर्य घटना देखी, एक बड़े उच्च रत्न सिंहासन पर एक बड़ी सुंदर युवती विराजमान थी, उस युवती के चारों तरफ खूब दास दासियां, कोई उसको चावल ढुला रही है, कोई उसको पंखा कर रही है, कोई पान की बिड़िया लेकर खड़ी हुई है, कोई उसके चरण सेवा के लिए धावित है, सब उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी वो युवती बड़ी दुखी है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रो रही है, और उस युवती के सामने दो वृद्ध पुरुष वहां पर सोए हुए हैं। अभी साधुओं का तो दुख कष्ट से क्या काम, रोना देना से साधु का क्या लेना देना, ये साधु बाबा कहीं रुक जाओ खोबो साधु क्षणम तिष्ठम, जरा रुको मेरी दुख कष्ट श्रवण करो, मैं यहाँ पर अत्यंत दुखी होकर बैठी हूँ, अरे साधुओं का तो काम ही है लोगों के दुख कष्ट दूर करना, आप कहा मुझे यहाँ इस व्यथा में छोड़कर और चले जा रहे हैं। साधु बाबा वहां पर नारद जी कहने लगे कि काशी हम हो और यहाँ पर बैठे बैठे इधर उधर क्यों कर रही हो। उस समय पर उस युवती ने अपना परिचय देते हुए बोला, अहम भक्ति विख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न, दिख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, बोले 20 साल की युवती माँ और बच्चे 80 साल के बूढ़े, ऐसा कभी होता है, अरे जैसे जैसे माँ ने बच्चों को जन्म दिया है, माँ अगर बूढ़ी होगी तो उसके हिसाब से बच्चे तो उससे जवान ही दिखेंगे, लेकिन कितनी आश्चर्य।
एकदम नव यौवन को प्राप्त है और दोनों बच्चे उसके वृद्ध हैं। नारद जी ने पूछा इसका कारण क्या है। तब उस समय पर भक्ति देवी ने अपना परिचय को और देते हुए कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः। नारद बाबा, मेरा जन्म द्रविड़ा लीपा पोता करके घर के बाहर बड़ी सुंदर रंगोली बनाती है। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सवेरे से ही सचेष्टा रहती है। अभी भी वहां पर भक्ति प्रचुर रूप में विराजमान है। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति का जन्म है। भक्ति देवी कहती है उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः। बोले मैं साउथ इंडिया, मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, वहां पर मैं बड़ी हुई। और कुचित कुचित महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र में आई तो वहां पर ही मुझे कुछ ना कुछ सम्मान मिला। वहां पर अगर तिलक देखते थे बोले ये तुमने क्या कर दिया है, किसी पक्षी ने बीट कर दी ना क्या। अगर उसकी चुटिया देखी बोले क्या किसी ने एंटीना लगा रखा है सिग्नल कैच करने के लिए। इस तरह से उसको इतना परेशान करते थे, देर ना दें उनको चैन नहीं मिलता था, ऐसा नास्तिक देश। लेकिन आज के समय पर यदि आप लोग देखेंगे ना, गुजरात बड़ा भक्तिमान देश है। गुजरात में आप देखो वल्लभ संप्रदाय का ज्यादा करके प्रचार गुजरात के अंदर, हमारे गौड़ी संप्रदाय का भी प्रचार गुजरात के अंदर। इतने भक्तिमान लोग हैं, इतना कष्ट उठाते हैं और विशेष करके ज्यादा करके प्राय लोग वहां पर गुजरात के, इतना भक्तिमान देश है। अभी यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहले तो आप बड़ा नास्तिक देश था और अभी इतना भक्तिमान किस तरह से हो गया। तब इसका कारण कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े साधुओं का जन्म हुआ, बड़े बड़े संतों का वहां पर जन्म हुआ है। जैसे वल्लभाचार्य, श्री विट्ठलनाथ जी, तुकाराम, ये सारे संत जो है उनका वही के कारण वहां पर क्या हुआ है, भक्ति साक्षात विराजमान है। एक साधु का यदि किसी स्थान पर जन्म हो, किसी वो भले जैसे कहते हैं ना बंजर भूमि, लेकिन बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। कैसे? बोले साधु का संग यदि प्राप्त हो। एक साधु यदि किसी स्थान पर जाए, कोटि योजन निस्तारे। श्री रामदास ठाकुर कहते हैं कि साधु का दर्शन करके कोटि कोटि योजन तक सब पवित्र हो जाते हैं, इतना प्रभाव या साधु को ही जन्म ले। इसलिए भक्ति देवी कहने लगी कि मैं गुजरात में जाकर मुझे जीर्णता प्राप्त हो गई, मैं कोटि हो गई, तो द्रवीभूत हृदय में ही भक्ति का जन्म होता है। भक्ति देवी साधु क्या करते हैं, साधु भगवान के सुंदर सुंदर गान, उनकी लीला कीर्तन करते करते और हमें हमारे हृदय को द्रवीभूत हृदय उसको पिघला देते हैं और इस पिघले हुए हृदय में तब जाकर भक्ति देवी का उदय होता है। इसलिए वृद्धिं कर्णाटके गतः, भैया जन्म तो हो गई हृदय में, भक्ति देवी का जन्म हो गया हृदय में, लेकिन बढ़ेगी कैसे। बोले जब इन कानों से निरंतर हरि कथा श्रवण करेंगे तब प्रदान करेंगे। वर्ष भक्ति महारानी की। इसलिए भक्ति महारानियां कहती है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, गुजरात में जाके मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, ये वृंदावन भूमि का इतना प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्य, वृंदावन भूमि का ऐसा प्रभाव, यहाँ पर भक्ति सर्वत्र नृत्य करते हुए विराजमान है। जहाँ पर ठाकुर जी की जन्मभूमि, जहाँ पर ठाकुर जी की रासस्थली, जहाँ पर ठाकुर जी की स्थान को परित्याग करके भक्ति कभी जागी नहीं सकती। इसलिए मीरा कहती है आगे महला के वृंदावन भक्ति को, आगे महला से वृंदावन को, आगे जवान हुई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य,
ये दोनों वृद्ध हो गए, दोनों बूढ़े होकर विराजमान थे। अब नारद बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, आप मेरे दुख को दूर करो, मेरे दोनों पुत्रों को आप जवान कर दो, नहीं तो मैं ये स्थान परित्याग करके और विदेश चली जाऊंगी, यहाँ पर भी मैं रहूंगी नहीं। इसने क्या किया है, समस्त वेद पुराण समस्त धीरे धीरे करके और ज्ञान वैराग्य को सुनाने लगे। नारद जी ने जो जो करके पुराण बखाने खूब वहां पर पोथियां निकाल दी, लेकिन तब पर भी ज्ञान वैराग्य को चेतनता नहीं प्राप्त हुई। अभी नारद जी ने क्या किया, गीता, गीता क्या है, या स्वयं पद्मनाभस्य, मैंने सारे शास्त्र बोल दिए इनके सामने, लेकिन तब पर भी इनको चेतनता प्राप्त नहीं रहे हैं, कैसे चलेंगे। उसी समय पर आकाशवाणी हुई, बोले साधु बाबा तुम एक पुण्य काम करो, तुम एक सत्कर्म करो, और उस सत्कर्म करने से ही इन दोनों को चेतनता प्राप्त होगी। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे, भैया अब तक जो किया वो क्या असत्कर्म था, अरे वेद वो ही बता पाएंगे। ढूंढ रहे थे नर नारायण को, दो व्यक्ति और मिल गए यहाँ पर, चार चतुसन, उन्हीं से प्रश्न करने लगे, बोले अब आप ही बताइए ये सत्कर्म क्या है, अरे कौन सा ऐसा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतनता प्राप्त हो, उनको होश आ जाए। चतुसन वहां पर उत्तर देने लगे कि ये तो बड़ा ही आसान है। बोले क्या आसान है, बोले आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ किया, आपको स्मरण नहीं जब आपके शिष्य व्यासदेव जी वो जब विचलित थे उनके हृदय में शांति नहीं थी, उस समय पर भी तो आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करने का ग्रंथ पाठ करो, अरे भागवत ग्रंथ है क्या, भागवत ग्रंथ क्या है, बोले सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम निश्यते तदरसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यादिति क्वचित्। ये भागवत ग्रंथ है सर्व वेदों का सार, सारे वेदों का सार स्वरूप यदि देखेंगे तो वो है ये भागवत ग्रंथ। अब मैंने सारे वेद यदि बखान दिए उनके सामने, सारे वेदों को श्रवण करवा दिए, तो और भागवत ग्रंथ क्या अलग से सुनाना बाकी रह गया। तब यहाँ पर चतुसन बड़ा सुंदर रूप में समझाते हैं उनको, ध्यान देकर कि यदि किसी ने आम्रफल खाया, आम खाया, आम खाने से उनको क्या अनुभूति हुई, बोले आम तो बड़ा मीठा है। आम खाके यदि कोई सोचे कि जब ये फल इतना मीठा है तो इसकी टहनी, इसका पेड़ कितना मीठा होगा, तो जब टहनी चबाने लगेगा वो टहनी क्या डाल दे तो क्या उसे काम बनेगा, दीपक जलेगा, बोले नहीं जलेगा। जिस प्रकार शक्कर बनती है गन्ने के रस से ही, लेकिन खीर के अंदर शक्कर की बजाय यदि कोई गन्ने का रस डाल दे तो क्या उससे मिठास होगी, खीर फट जाएगी। इसलिए कह रहे हैं जिस प्रकार भागवत ग्रंथ यद्यपि सभी वेदों का सार है, लेकिन जिस प्रकार आम के अंदर उसके फल का गुण विद्यमान है, जिस प्रकार डाली के अंदर आम का रस नहीं, जिस प्रकार गन्ने के रस का काम चीनी नहीं कर सकती, जिस प्रकार घी का काम दूध नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ का काम और वेद नहीं कर सकते। श्री भागवत कथा अमृतम की, इसीलिए भागवत ग्रंथ की इतनी सर्वश्रेष्ठता है, ये सर्व वेदों का सार होने पर भी हो गए। बोले सचमुच में जब तक साधु संग ना हो ना तब तक ये बात समझ नहीं सकता, साधारण व्यक्ति इस बात का अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए नारद जी कह रहे हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं प्राप्ते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह अनांतकार नाशं विदाय हितदो। नारद जी स्वयं आज साधु संघ की महिमा गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भैया एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म का एक भाग्य उदय होता है, सौभाग्य उदय को सत्संग मिलता है। ये साधु संघ जो आज हमको मिल रहा है, भागवत कथा सुनने को जो मिल रही है, इसको साधारण मत समझो, कोटि कोटि जन्म का भाग्य था तब जाकर आज हमें साधु संघ प्राप्त हुआ है। और ये साधु संघ मिलने से क्या होगा, बोले अज्ञान हेतु कृत मोह अनांतकार। चतुसन उस समय पर भागवत ग्रंथ वहां पर पारायण कर रहे हैं, बोले कहां करेंगे, बोले गंगा तट पर आ जाओ, आनंद नाम के घाट पर गंगा तट पर सभी एकत्रित हो गए। स्वयं वहां पर चतुसन चौकी पर विराजमान है, नारद जी वहां पर विराजमान है,
सभी जगह पर यह खबर पहुंच गई, सारे साधु सारे गृहस्थ वहां पर उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, सभी पंक्तिबद्ध होकर वहां पर विराजमान हो गए। और अगस्त ऋषि, ये साधु देखो कितने दयालु होते हैं, अरे अगस्त ऋषि के हृदय में चैन आए थे वो तो ठीक है, जो लोग नहीं आए उनके पास जा जाकर घर घर में जाकर निमंत्रण कर रहे हैं, बोले जानते हो चतुसन भागवत ग्रंथ कर रहे हैं, भागवत पाठ होगा, सभी आओ, सभी को वहां पर निमंत्रण दे देकर और वहां पर भागवत कथा का गान हो रहा है। चतुसन वहां पर एकत्रित गान कर रहे थे, सदा से व्याम श्रीमद भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कथा को ही महिमा बता रहे हैं कि भैया ये सात दिन केवल मात्र सुनने वाला ग्रंथ नहीं है, आए यहाँ पर सात दिन तक अनुष्ठान हुआ ठीक है, सुन लिया बढ़िया है, लेकिन क्या बोले सदा से व्याम ये भागवत ग्रंथ की नित्य सेवा करने का विधान है, इसीलिए यदि इसी कोई नित्य सेवा करे तो क्या होगा हरिश्चित्तं समाश्रये, सब वहां पर जय जयकार दे रहे हैं। और कभी एक आश्चर्यचकित घटना देखी, बोले क्या भक्ति सुतो तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेमे रूपा सहसा विलासी, भक्ति सुतो तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेमे रूपा सहसा विलासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे स्वयं। अब बोले कहां ये ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े पड़े हुए थे और केवल मात्र अभी भागवत की महिमा सुन के और दोनों जवान हो गए। भक्ति देवी हाथ जोड़कर वहां पर प्रश्न करती है, बोले हमें भी स्थान दो, सब यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर बैठे हुए हैं, हम कहां पर बैठे हैं। वहां पर उस समय पर चतुसन ने कहा कि आप जाकर सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ। सभी के हृदय में वहां पर भक्ति देवी विराजमान हो गई है, धन्य है वे व्यक्ति जिनके हृदय में भक्ति देवी का वास है, क्योंकि भक्ति देवी इतनी बलवान है, जहां पर भक्ति देवी का निवास है वहां पर ठाकुर जी को और अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति देवी किसी स्थान पर उपस्थित है ठाकुर जी स्वयं वहां पर आकृष्ट हो जाएंगे। एक मधुमक्खी देखा है ना, जब फूल खिलता है उस फूल की सुगंध से आकृष्ट होकर मधुमक्खी अपने आप आ जाती है, उसी प्रकार यदि किसी साधक के हृदय में भक्ति विराजमान हो तो ठाकुर जी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, भैया ठाकुर जी दौड़े दौड़े आ जाएंगे, जाने जाने में पाप कर ही बैठते हैं। तो यहाँ पर नारद जी प्रश्न कर रहे हैं हमारे लिए, बोले भैया पापी व्यक्तियों का भी उद्धार हुआ कि नहीं। उस समय पर चतुसन कहते हैं, बोले पापियों की बात छोड़ दो, जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, बोले ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन्होंने जीवन में पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, ऐसे पापी व्यक्तियों का भी उद्धार यदि हुआ है, बोले कैसे सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। इस कलयुग के अंदर यदि कोई भागवत कथा सप्ताह परायण श्रवण करे तो उनका उद्धार निश्चित है। उस समय पर यहाँ पर इन्होंने श्री धुंधुकारी आत्मदेव का चरित्र सुनाया है, आप लोग प्रत्येक वर्ष श्रवण करते हैं, संक्षेप में मैं उसको वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे, उनके परिवार में सब कुछ विद्यमान था, लेकिन घर में पत्नी धुंधली वो पूर्ण रूप में पति से प्रतिकूल। आत्मदेव इतने बड़े पंडित थे, उनको विद्वानों की सभा में द्वितीय एवं भास्कर, उनको विद्या भास्कर कहकर संबोधित करते थे, बड़े शौच शुचि में निष्णात, अपने निष्ठापूर्वक में धर्म याचन करते थे, ब्राह्मण धर्म याचन करते थे, लेकिन पत्नी सब समय कलह प्रिय झगड़ालू, जब तक झगड़ा नहीं करती थी तब तक उसे शांति नहीं मिलती थी, लेकिन ऐसी झगड़ालू स्त्री को भी
घर में रहते हुए आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी, घर में कोई पुत्र नहीं था। अभी पुत्र नहीं होने के कारण बड़े दुखी थे। एक दिन आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब सन्यासी के साथ में देखा मिले हैं, उस समय पर सन्यासी समझा रहे उनको कि तुम्हारी गलत धारणा है कि घर में बेटा होने से सुखी हो जाओगे, दुख का कारण बना, इसलिए पुत्र से शांति मिल जाएगी, ये गलत धारणा है, इसको छोड़ दो पूर्ण रूप में। साधु बाबा वहां पर उनको समझा रहे हैं, आत्मदेव के दिमाग में तो बेटा 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 चल रहा है, इस बात समझ में नहीं आ रही है। बोले आप साधु सन्यासी आपको क्या पता, अरे घर में जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा मम्मी मम्मी दादी दादी कहकर बुलाते हैं, अरे दिल में कितना आनंद होता है, आप क्या की लोग क्या जानो। बोले गृहस्थी में जैसा सुख आनंद है आप क्या की लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए उपदेश मत दो। अरे हम ब्राह्मण हैं, हम दुनिया को उपदेश देते हैं, अरे पुत्र होने का आशीर्वाद दे सकते हो तो वो दो। आत्मदेव ने उस समय पर कहा कि देखो ही है, और ये बात सुन के तो आत्मदेव इतने दुखी हो गए, माथा पटक पटक के अभी तो साधु के चरणों में रो रहे हैं। बोले आप कहां मेरा दुख दूर करोगे, आपने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अरे ऐसा आशीर्वाद देकर कुछ उपाय करते, आप कह रहे हो 7 जन्म तक पुत्र नहीं। बोले देखो जो हमने देखा वो बता दिया। आत्मदेव कह रहे कि मैं तो भैया यही मरूंगा, तुम्हारे चरणों में माथा पीट पीट के मर जाऊंगा, और ब्रह्म हत्या का पाप भी आपको ही लगेगा। साधु सोचने लगा भैया हमने क्या तुमसे कोई दक्षिणा ली थी। वृक्ष से एक फल लेकर उसे अभिमंत्रित करके और आत्मदेव को दे दिया। बोले ये अपनी पत्नी को खिला देना, इसको खाने से तुम्हारी पत्नी को संतान होगी। बोले हाँ। मन में इतना आनंद हो गया, नाचते कूदते अभी घर पर आए हैं। बोले भाग्यवान सुखी हो। धुंधली मां से दौड़ी दौड़ी आई है। बोले बताओ क्या हुआ। बोले देखो मैं क्या लाया। बोले क्या है। बोले फल। बोले दिमाग खराब हो गया ना क्या, मैंने कभी जीवन में कोई फल नहीं खाया, मैं भेजा अपना फल यहाँ से। बोले पगली इसको साधारण फल मत समझ, इसको खाने से बच्चा होगा। बोले ओ फल खाने से बच्चा होगा, ठीक है। धुंधली ने उस समय पर वो फल ले लिया, लेकिन इतनी कुतर्की थी। शाम में जब उसकी सखी आई है, जीजे मेरे फल मेरे स्वामी एक फल ले आए हैं साधु के वास्ते, और कहते हैं इसको खाने से बच्चा होगा। उसकी सखी कहने लगी कि फल खाने से भी कभी बच्चा होता है क्या, अरे तेरे पति भी साधु के चक्कर में आके पकड़ाए गए हैं, तो एक काम कर ये फल तो तू खिला दे गाय को। पता नहीं वहां पर कि मैंने सुना है गर्भवती महिला का पेट बाहर निकल जाता है, ठीक से खा भी नहीं पाती, ठीक से चल भी नहीं पाती, अगर गांव में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, तो फिर मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। मैंने सुना था सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे थे, अरे मेरी संतान अगर 3-4 साल भी रहेगी तो मैं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतनी कुतर्क बुद्धि थी ये धुंधली, फल खिला दिया गाय को और अपने पेट पर ऐसे कपड़ा बांध के गर्भवती होने का नाटक करने लगी। जब समय उपयुक्त तो हुआ है, उस समय पर उसकी बहन को संतान हुई थी, उसी संतान को अपना बनाकर और घर में ले आई है, और 3 महीने बाद में जिस फल को जश्न मना रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, बड़े बच्चे बड़े होते होते सबकी ख्याति हुई, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात, और धुंधकारी महाखल गोकर्ण को साधु के आशीर्वाद से जन्म हुआ, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान, माता पिता की आज्ञाकारी। लेकिन जो धुंधकारी जो बहन का बच्चा था वो पूर्ण रूप में खल, माँ के गुणों में गुणी हूँ। सब समय आप क्या इस जड़ जगत में सुखी होने की चेष्टा कर रहे हो। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति रक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। जो लोग जिनके पास में पैसा नहीं है, जो लोग निर्धन है, वो सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे दुखहारी सब जीव दुखहारी। ठाकुर जी का भजन जब तक नहीं किया तब तक पैसा पुत्र परिवार कुछ भी सुख नहीं दे सकता। एकमात्र ठाकुर का भजन जो करते हैं, भगवान के शरणागत जो हैं, वो ही सुखी हैं। आत्मदेव के साथ में ये सब उपदेश प्राप्त करके उन्होंने जंगल में चले गए। यहाँ
ही कर दिया, माँ ने तो आत्महत्या कर ली और पांच पांच वेश्याओं को लेकर आ गया। वहां पर वेश्याओं को लेकर जब घर में विहार कर रहा था, कोई बोलती है धन दो, कोई बोलती है मुझे साड़ी ला कर दो, कोई बोलती है मुझे गहने ला कर दो, उनकी माँ वेश्याओं ने चारों उसके हाथ और पैर पकड़ लिए, हाथ से बांध के और उसका गला घोंटने की कोशिश करी। खूब उसको जब मारने की चेष्टा कर रहे थे, नहीं मर रहा था, तो जलते हुए अंगार लेके उसके मुंह में ठूस ठूस के उसको वहीं पर मार दिया। इतनी दयनीय मौत हुई वहां पर, घर में ही गड्ढा खोद के उनपे गाड़ दिया और पांचों की पांचों वेश्या सारा घर। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं भैया वेश्या बनने की विश्वसनीय नहीं है, यहाँ पर धुंधुकारि की इतनी गंदी तरीके से मृत्यु हुई है और क्या शांति मिलेगी। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, गोकर्ण ने उनके नाम पर श्राद्ध किया है, गया में जाकर हमारी भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म करके और गोकर्ण को डराने की कोशिश कर रहा है। गोकर्ण ने उसी समय पर अभिमंत्रित जल लेकर और जब छिड़का है तो उस समय पर उसने बोला कि मैं आपका भाई धुंधुकारि, अरे मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरे उद्धार का कुछ कल्याण करो, आप मेरे उद्धार का कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी कहने लगे कि तेरे नाम पर तो मैंने पिंडदान किया था, तेरे को उससे भी उद्धार नहीं हुआ। बोले नहीं, मैं इतना पापी हूँ, एक बार तो क्या 100 बार कर दो तब पर भी शांति नहीं, तब पर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। बोले अब क्या करें। बोले कल सुबह तुम्हें बताएंगे, अभी तुम चले जाओ। सूर्यदेव की उपासना करके उन्होंने जब पता किया तो उनको कहा कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ करो, ये भागवत ग्रंथ, ये सप्ताह ग्रंथ, यदि कोई 7 दिन तक कथा होने के बाद में वहां पर धुंधुकारि 7 ग्रंथी वाली जो बांस दिव्य रूप धरो जाकर तुलसी नाम मंडिता, बड़ा सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, गले में वैजंती माला है और पीतांबर धारण करा हुआ है, इतना सुंदर पार्षद देह उसने धारण किया, सबके लिए रथ आना चाहिए, एक रथ क्यों लाए। उस सब कहने लगी कथा सबने नहीं सुनी, सबने कथा किस तरह सुनी। बोले पल्लू झाड़ कथा सुनी, रोज कथा में आते थे, इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल के और अपने घर को चले आते थे। केवल मात्र धुंधुकारि ही मन लेकर कथा सुन रहा था, इसीलिए धुंधुकारि की कथा सुनना। सब श्रोता बोले लगे ठीक है। इस बार पुनः जब सप्ताह परायण हुआ है, 7 दिन के बाद में थे उतने ही आकाश मार्ग में रथ, सभी के लिए एक एक रथ उपस्थित हुआ है और सभी वहां पर पार्षद देह धारण करके और रथ में विराजमान हो गए। ठाकुर जी साक्षात वहां पर उपस्थित हो गए और गोकर्ण की पूरी पूरी महिमा गान कर रहे हैं, गोकर्ण जी को आलिंगन करके और ठाकुर जी स्वयं कहने लगे कि तुम्हारी। और जिस प्रकार प्रभु राम समस्त अयोध्या वासियों को लेकर निज धाम चले गए थे, ठीक आज उसी प्रकार गोकर्ण के साथ में ठाकुर जी समस्त श्रोताओं को लेकर और निज धाम को जा रहे हैं। ये भागवत पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई पापी व्यक्ति धुंधुकारि जैसे पापी तो कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसे पापी व्यक्ति का भी उद्धार यदि हुआ केवल मात्र ये भागवत कथा श्रवण करने से। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। इसलिए स्कंद पुराण में बताया, ध्यान देकर सुनो, कैसे कथा सुननी चाहिए। बोले श्रोता 2 तरह के, कल आपसे सुनूंगा, आज मैं बता रहा हूँ। श्रोता कितने तरह के? 2 तरह के हैं। एक तो उत्तम श्रोता है और एक कनिष्ठ घटिया श्रोता है। श्रोता जो उत्तम श्रोता को 4 तरह के, कितने तरह के? क्या क्या? पहला हंस, जैसे हंस को आप दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा की सार फूल बोलोगे, अगर थोड़ी सी कहीं गंदी की चीज होगा ना, वो पूरा बगीचा में फूल रहते हुए भी फूल में नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो गंदगी के ऊपर बैठेगा। लेकिन पूरा चारों तरफ से गंदा गंदा, लेकिन वहां पर एक फूल मिला हुआ, बताओ मधुमक्खी कहाँ बैठेगा, फूल के ऊपर बैठेगा। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, मधुमक्खी जैसे, मधुमक्खी जैसे कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं होते, देखना वहां भी बैठी करके वो शहद संग्रह करके एक सुंदर छत्ता बना देता है, जिसको द्वारा ठाकुर की सेवा होता है, ठाकुर की अभिषेक होता है। इसलिए दूसरा नंबर मधुमक्खी। बोले तीसरा नंबर मछली, मछली देखे होंगे
ये खीर समुद्र में ये मछली रहता है। देखना मछली का जो वो कभी झपती नहीं, एकदम आप फूल कर घर समय तो दूध को वो आहरण करके ग्रहण करती है। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते मछली जैसे, बोले मछली जैसे मतलब टकटक लगा करके कैसे सुननी चाहिए, टकटक लगा पानी, नहीं तो किसी तालाब का पानी कभी नहीं पिएगा वो, जब तक बारिश नहीं होना वो स्वाधीन नक्षत्र का पानी के बगैर कोई पानी नहीं पिएगा। इसलिए वह चातक हर समय प्यास आऊं, कब पानी मिलेगा। उसी तरह कथा कैसे सुननी चाहिए, ऐसे नहीं जहाँ पर भैया देवी की भी कथा हो रही वहां भी बैठ जाओ, अब इधर उधर की कई कथा हो वहां बैठ जाओ, नहीं भैया कथा सुननी चाहिए चातक जैसे। भैया कथा सुनेंगे तो कृष्ण की कथा सुनेंगे, इधर उधर की कथा में नहीं बैठेंगे हैं। इसलिए गंगा जाओ तो गंगाराम मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए वो आराधे इस, एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति बहु निष्ठ से प्रभु नहीं मिलती है। इसलिए चार तरह का घटिया श्रोता, पहला नंबर है भूरुण, ये हिमालय पर्वत में के चिड़िया रहती है, इसका स्वभाव क्या है इसको जैसे सुनाओ ना, कोई फल फूल दो नहीं तो घास भूसा दे दो, दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है, मतलब कृष्ण कथा भी हो दुनिया की कथा हो बैठ करके सब कथा सुनने लग जाए, नहीं ऐसे नहीं सुननी चाहिए। तीसरा नंबर बताए कहते ऊट देखे होंगे, ऊट को अगर सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई आम की पता दो फल हो नहीं खाएगा, और ढूंढेगा कब उठे अभी समय नहीं था, अभी कब उठे, लेकिन कहीं इसका चुगली हो वो बेटी की सांस छोरी को भगा कर ले गया, देखो कितना आनंद है, टीवी देख लो स्मार्ट फोन पे घंटा घंटा बीत जाएगा, लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं है, ये ऊट है। और चौथा नंबर को ध्यान दो, ये सुनने वाला चीज बताए ध्यान दो, जो चौथा नंबर दिया, ऐसे कुछ लोग है स्वयं तो कथा पढ़ी के कथा सुनता है ना, उसको भी सुनने नहीं दे, बिना कारण तेरे घर में क्या हुआ था, क्या खाना पड़ी थी देखा तुमने, कथा भी नहीं सुनेगा दूसरों को भी कथा सुनने नहीं देखो भेड़िया, नहीं ये घटिया श्रोता है। बोले चार तरह का कथा है, एक है खुद कथा नहीं सुनते हैं उसको राजसी, और सात्विक की कथा किसको कहते हैं, एक महीना दो महीना हो तो कथा को सुनेंगे उसको बाद में कोई मतलब निर्गुण, मतलब क्या है जिसने अपना जीवन को ही कथा बनाया, रोज नियम करके गीता हो भागवत हो कोई सदग्रंथ हो रोज नियम करके घर में पढ़ो, और जिस घर में भागवत का एक श्लोक एक श्लोक नहीं आधी घर में कोशिश करना, गीता का कोई श्लोक हो नियम करके, भागवत का कोई श्लोक हो रामायण हो ठीक है ना। देखो ध्यान देकर सुनो, एक समय मेरे बड़े गुरु जी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इनको किसने पूछा, ध्यान देकर सुनो कि सुनने का चीज है, किसने पूछा गुरु जी बच्चे बात नहीं सुन, गुरु जी क्या बोले, बच्चे हर घर में ही कहानी बच्चे बात नहीं सुनते तो गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया, कहां पर लिखा हुआ है पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की बात सुननी चाहिए, कहां पर लिखा हुआ कि रामायण में नहीं। इसलिए रामायण में क्या लिखा हुआ, प्रात ऊठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः, सबसे पहले राम उठ करके पिता माता के चरण में झुकते थे, जब दशरथ महाराज सैनिक किए होंगे देखे होंगे स्वयं राम जाकर के चरण की सेवा करते थे कि नहीं, ये रामायण पढ़ेंगे तभी तो बच्चों को ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा ना, मेरे आदेश पालना करने के लिए 14 दिन तू कहीं जा, मैं बेटा जाएगा क्या हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे कारण क्या है, कहते स्वयं रामायण नहीं पढ़ते, गीता भागवत पढ़ते नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ा था, और पबजी स्मार्टफोन पकड़ा देते ले, लेकिन तुम बोले ये दोष पिता माता की है। अगर हम चाहते हैं घर अयोध्या बने, अयोध्या मतलब यहाँ युद्ध नहीं होता है,
अवध मतलब यहाँ कोई पढ़ते नहीं, क्या करो रामायण पढ़ो, गीता भागवत तो पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ। घर में नियम पर जयपुर गया था, 7-8 साल में कोई बच्चा पत्तों उड़ा रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, वो नाम से पता चला मुसलमान। मैंने पूछा कुरान आती है, वो छाती फुला कर बोले आती है। बोले सुनाओ, झूठा तो सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में कुरान पढ़ाई जाती है, देखो क्या कहना है। बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में कुरान उसको पढ़ना पड़ेगा, 2 साल उम्र में ये कंपलसरी। आप सब पिता माता को मैं प्रश्न करता हूँ, कभी बच्चे को बोलो किताब पढ़ेगा तो भी पिता माता भजन करते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं जिस वंश में एक बच्चा प्रभु का भजन करे चलो कथा सुनोगे और भक्ति करो भजन करो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की कल एक एक भक्त लोग 10-10 भक्त को बुलाने, इतने कितने भक्त लोग बुलाने, 10-10 भक्त को। देखो बड़े गुरु जी कहते थे आप जिसको लेकर के आओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वाले को उसका आधा आधा पुण्य अपने आप मिल जाएगी। बड़े गुरु जी कहते आधा आधा सबके सब राजी हो, सबके सब। देखो भैया कल से 3 बजे कथा शुरुआत करेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। कितने बजे भैया, भैया तो बोलो 3 बजे ना 4 बजे, वो बोलते हैं 4 बजे, ठीक है। 3 बजे 5 बजे नहीं 4 बजे मैं कैसे दिखाऊं दिल जी सकी।